एक्चुअली मेरे हस्बैंड अभी ऑफिस निकल रहे हैं, उसके बाद मैं रह जाऊंगी घर पे अकेले, फिर मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं अकेले क्या क्या खुराफाती करती हूँ। ये देखिए, ये साउथ इंडियंस का ये कल्चर है कि ये रंगोली बनाते हैं डेली मॉर्निंग में। गाइज, मैं ना जा रही हूँ सोने के लिए, मुझे बहुत नींद आ रही है, तो मैं 2 घंटे अभी सोने वाली हूँ, बहुत ज़ोर की नींद आ रही है। तो गाइज, मेरी अभी नींद पूरा कर लिया मैंने और अभी मैं सोकर ही उठ रही हूँ। और मैं तो मतलब कहते हैं ना कि मेरा ना ऐसा आदत है कि सुबह सुबह अगर सोकर जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो मेरा सर थोड़ा भारी सा हो जाता है, क्योंकि दिन का जो मॉर्निंग जल्दी था, तो इस वजह से मैं भी जल्दी उठी क्योंकि लंच वगैरह रेडी करने के लिए। सो अभी वापस मैं सो रही हूँ। नहीं, मैंने आपको अपने पहले वीडियो में भी बताया था, ये तो वाटर डिस्पेंसर से ही हमें बॉटल भरनी पड़ती है। और जैसे कि अभी समय चल रही है तो ठंडी ठंडी पानी की तो ज़रूरत बहुत ही पड़ती है, तो वही मैं फ्रिज में रखने जा रही हूँ। मेड का मैं इंतज़ार कर रही हूँ, अब तक वो नहीं आई है, सुबह के 10 बज चुके, लास्ट मतलब कल उसने बोला था कि 9 बजे ही वो आ जाएगी, बट अब तक वो नहीं आई है। तो मैं तब तक कुछ कुछ अपना काम समेट ले रही हूँ, जो भी है थोड़ा बहुत काम, और फिर वो आएगी तो उसको अभी हाउस की क्लीनिंग करनी है। आंटी, ये रोजो ना अंदर में पोछा नहीं, रेपू पोछा कर देते। अच्छा है, चिन्ना चिन्ना ना बागुंदे। अच्छा है। पता है गाइस, एक बात मैं आपको बताती हूँ, जब मेरे हस्बैंड घर पे नहीं होते हैं ना, तो उस दिन जब मैं अकेली होती हूँ तो उस दिन ही मैं मतलब पूरा सोती हूँ। मुझे बहुत सोना मेरा मतलब सबसे फेवरेट है, तो जब भी मुझे मौका मिल जाता है तो मैं बस जा करके जल्दी से फटाफट सारा काम समेटती हूँ और फटाफट सोती हूँ। तो ये बात उनको नहीं पता है, उन्हें भी सोना बहुत पसंद है, तो जब उन्हें पता चलता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा सोती हूँ जब वो नहीं होते, तो वो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे चिढ़ जाते हैं, बोलते हैं कि तुम, मैं तो नहीं पता, तो तुम तो सोते रहती हो, तो तुम्हारे लिए सोच नहीं काम है, बस आराम से खाती हूँ सो जाओ। चाय रेडी। पता है आंटी से ना मैं बहुत बात करने की कोशिश करती हूँ, मतलब मन में तो बहुत कुछ ही आता है ना बात करने को, अब 2 लेडीज़ जहाँ मिलती है तो वहाँ तो बात करने को तो बहुत कुछ ही होती है, तो वो भी बात करना चाहती है बेचारी, वो भी कुछ कुछ अपने लैंग्वेज में बोलती है, और मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं भी उनकी बात को समझूँ, अगर नहीं भी समझ आती है ना तो भी मैं हाँ ऐसे कर देती हूँ और तो इससे मतलब उनको भी फील होता है कि हाँ मैं थोड़ा बहुत समझती हूँ, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा हम लोग का ऐसी कन्वर्सेशन होता है। आप लोग पूजा में क्या करते हैं? मंदिर टेंपल भी जाते हैं? टेंपल नहीं, अच्छा इधर ही में होता। मैं तो सोचती हूँ गाइस कि यार घर की लेडीज़ जो होती है, मम्मी जो होती है, हमारी आंटी जो होती है घर की, वो लोग पता नहीं कैसे डेली यही एक सेम रूटीन फॉलो करती है, मतलब लाइक सुबह उठो, फिर वही ब्रेकफास्ट बनाओ, लंच बनाओ सबके लिए, फिर मतलब दिन भर ही खाना बनाओ, खाओ, फिर सो जाओ, बस यही रूटीन ही है। मतलब मुझे तो बहुत बोरिंग लगता है यार, मतलब जिस दिन मैं अकेली होती थी मैं तो मतलब टाइम टेबल का तो पूरा कबाड़ा निकाल देती हूँ। अभी 10 हो गया, 10:30 हो रही है, तो मतलब मैं 10:30 में अभी मतलब 10 बजे मैं सोकर ही उठी हूँ, मतलब सुबह मैं 6 बजे उठी, उसके बाद फिर मैं वापस से सो गई 7 बजे जाकर रूम में, उसके बाद फिर मैं 10:30 बजे के आसपास मैं उठी, तो मेरी मेड आई है तब, तो इसीलिए मतलब आज के दिन तो पूरा रेस्टिंग वाला डे है यार, आराम से उठो, खाओ, पियो, फिर सो जाओ, आज के दिन ऐसे ही चलने वाला है। पता है आपको, जब मेरी मम्मा मुझे, जब सुबह होती है ना, सबसे पहले मेरे पापा मम्मा मुझे कॉल करते हैं, तो 7 बजे आज उन्होंने मुझे कॉल किया, तो पता है मैं उन्हें बोली कि पापा मुझे बहुत सारे काम है आज, मैं ना अभी फ़ोन रखती हूँ, फिर ना मैं आपको 10-11 बजे तक ही कॉल करूँगी, क्योंकि मुझे ढेर सारा भी काम है ना, मैं मतलब छोटा मोटा काम सब है वो सब सारे समेट लेती हूँ, फिर आराम से फ्री होकर आपसे बातें करूँगी। और उन्हें लगता है कि मैं मतलब सच में बेचारी काम करती होगी, ऐसे सोचते हो, बट रियलिटी तो कुछ और ही होता है। मैं इधर चुपकी से जाती हूँ, मतलब आराम से सो जाती हूँ, फ़ोन साइलेंट में डालती हूँ और बस 2 घंटे की आराम से नींद ले लेती हूँ, मतलब
सोने में जो मजा है यार, वो कहीं भी दुनिया की किसी, मतलब ना कोई मॉल, ना कोई रेस्टोरेंट, ना कोई ताजमहल, कहीं भी नहीं मिलता है। मतलब नींद में ही इंसान सब जगह ही घूम कर आ जाता है, और मैं तो वही करती हूँ। सबका मानना है ना कि मतलब घर की जो लेडीज होती है ना, उन्हें सुबह सुबह ही उठ जाना चाहिए, करके सारे काम समेटने चाहिए। बट मैं वैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। मतलब जैसे मेरे हस्बैंड होते हैं उस दिन मैं एकदम मतलब वेरी डिसिप्लिन वाली बनती हूँ, बट जैसे वो नहीं होते उस दिन, तो फिर मेरी मर्जी है। उन्हें भी पता है, उन्हें भी बोलते हैं, लोग बना देती हूँ, हाँ मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लंच भी कर सब कुछ होता है। बट मेरे रियलिटी कुछ चलता रहता है, बस उनके आने से पहले मैं सब कुछ अपना काम हो गया समेट लेती हूँ, सबको अप टू डेट कर लेती हूँ, टाइम कर लेती हूँ सब कुछ। तो गाइज मैं जाती हूँ जल्दी से, फटाफट से फ्रेश होकर के आती हूँ, और फिर मैं बनाऊंगी आज अपने लिए पोहा। वैसे तो मैं बना चुकी हूँ ब्रेकफास्ट अपने लिए, पराठा और सब्जी, मटर की सब्जी बनाई है मैंने, लेकिन अभी ना वो खाने का मन नहीं हो रहा है, मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने सोची कि चलो आज पोहा बनाते हैं। मैंने ना पोहा बहुत दिन से नहीं खाया था, और मुझे पोहा बहुत पसंद है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को पोहा पसंद नहीं है, तो वो जब होते हैं तो मैं पोहा बना नहीं पाती हूँ, क्योंकि अब वो खाए कुछ और, मैं खाऊँ कुछ और, तो वो अच्छा नहीं लगता है। मतलब कोऑर्डिनेट करके खाना थोड़ा ज़्यादा पसंद अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं सोची कि आज अकेली हूँ, चुनाई से मैंने फायदा उठाया था, तो मैं आज अपनी पसंद की ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, मैं पोहा बना लूँगी। तो मैं चाहती हूँ जल्दी से फटाफट से फ्रेश बना लूँगी, पूजा करूँगी, उसके बाद जाकर फिर बनाते हैं। मैंने आपको बोला ना कि जैसे मैं अकेली उठी हूँ उस दिन, पूरा मतलब पूरा कबाड़ा ही बना लेती हूँ अपने टाइम टेबल को। तो मैं पहले फटाफट से ब्रश कर लेती हूँ, उसके बाद तो मैं आ गई हूँ फ्रेश होकर फटाफट से। और मुझे पता है कि मैं मुझमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको नहीं दिख रहे होंगे, बस ड्रेस ही चेंज हुई है, फेस तो वही है, बिल्कुल सड़ पोचा सा। गाइस तो अब चलती हूँ फटाफट से पोहा बनाने की शुरुआत करती हूँ, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग गई है, तो गर्मा गर्म पोहा खाने को मिलेगा, तो इससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। तो मैं जल्दी से बीन्स और गोभी और हरी मिर्च बस और अनियंस ये इतना डालकर पोहा बनाने वाली हूँ। फिलहाल तो मेरे पास बस इतना ही कुछ सामान पड़ा है, वेजिटेबल्स वगैरह है, जो मैं और हाँ गाजर तो मैं भूल ही गई, गाजर भी डालने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ना जल्दी जल्दी से फटाफट से ये कैरेट्स वगैरह सबको अच्छे से क्लीन कर लूँगी, वॉश कर लूँगी उसके बाद। और गाइस आपको एक बात बताऊँ, मैं बचपन तो नहीं, जब मैं क्लास 7 या 8 में थी ना, तो मम्मा ने मुझे पहली बार ही बोला कि तुम ना हलवा, सूजी का हलवा होता है ना, वो बना के खिलाओ। तो पता है मैंने क्या किया, मुझे नहीं आती थी बनाने, तो मैं ना उसमें डालते ना घी डालते या फिर रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं ना उसे भुनने के लिए, तो मैं ना सरसों तेल डालकर हलवा बनाई थी। तो फिर सबने जब खाया तो सबने कहा कि ये कौन सा हलवा बना भाई, ये तो इतना बकवास लग रहा है। पता है यार शादी के बाद ना जब भी कुछ भी खुद को खाने का इच्छा होता है ना, तो खुद ही बनाना होता है। एक तो खुद ही बनाओ, मेरे पति के लिए खुद ही बनाओ, मतलब खाना बनाने का मजा है, मुझे अच्छा लगता है, और स्पेशली खाना चाहता हूं यूज करके खाना बनाता है। तो देखिए गर्मा गर्म पोहा रेडी है। मुझे ना एक्चुअली ये वेजिटेबल्स डालकर पोहा ज़्यादा पसंद है। गाइस मैं आ गई हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए, बहुत ज़ोर की भूख लगी है, और इसमें भी अगर मेरा फेवरेट पोहा रहे तो और भी ज़ोर से भूख लग जाती है। और ये मैंने लस्सी भी बना रखा है अपने लिए, वो मैं पोहा खाने के बाद खाऊंगी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यार लस्सी, तो मतलब मेरा फेवरेट है। मतलब कुछ भी अगर कभी भूख लग गया ना, तो हल्का फुल्का सा भूख लगता है ना, तो मैं दोपहर में ज़रूर लस्सी खाती हूँ, मतलब पीती हूँ, बना लेती हूँ फटाफट से और पी लेती हूँ, बहुत मज़ा आता है। तो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मेरा यही था आज फिलहाल। तो कुछ मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज वैसे कुछ प्लान नहीं है, तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।